पॉजिटिव भारत को स्वागत कर नीलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर कृषकों केन्द्र सरकार को उपहार छटी रबी फसल बढ़ाए सर्वनिम्न सहायक मूल्य सेपटे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पीएलआई स्कीम को केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन पांच वर्ष खर्च हो 10,683 कोटी अधिक लाभवान हो ओडिशा सहित 8 राज्य धर्मेन्द्र प्रधान को बड़ दायित्व उत्तर प्रदेश प्रभारी दायित्व में केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दायित्व देले राष्ट्रीय बीजेपी सभापति जेपी नड्डा अनुराग सिंह ठाकुर अर्जुन राम मेघवाल सहप्रभारी नियुक्त महिला सशक्तिकरण दिगरे केन्द्र सरकार को बड़ पदक्षेप एनडीए जोगदे पारे महिला सुप्रीमकोर्ट को जनइले केन्द्र सरकार खूब शीघ्र जारी कर गाइडलाइन करोना मृत्यु उपरे सुप्रीमकोर्ट को बड़ टिप्पणी द्वितीय लहरें करोना मृत्यु को कह पारनी चिकित्सा अवहेला देपारे क्षतिपूर्ण प्रदान पर आदेश आवेदन उपरे सुनानी को मना कले सर्वोच्च कोर्ट टोक्यो पाराओलंपिक्स पदक विजेता सम्मान समारोह दिल्ली में खिलाड़ी को सम्मानित कले केन्द्र क्रीडामंत्री अनुराग ठाकुर खिलाड़ी कहले निज सफलतार यात्रा अन्नदाता बड़ उपहार देखती मोदी सरकार छटी रबी फसल सर्वनिम्न सहायक मूल्य बढ़ाई केन्द्र सरकार यह सहित टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पीएलआई स्कीम को केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन आगामी पांच वर्ष भितर 10,683 खर्च करेंगे केन्द्र सरकार जहाद्वारा ओडिशा सहित 8 राज्य अधिक लाभवान हो कृषक केन्द्र सरकार रबी फसल एमएसपी बढ़ाई केन्द्र सरकार 2021-22 फसल वर्ष एवं 2022-23 मार्केटिंग सीजन पर 6 रबी फसल बढ़ला एमएसपी सेपटे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पीआईएल स्कीम को केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन लाभवान हेबे ओडिशा सह टेक्सटाइल सह जड़ित बहु राज्य केन्द्र सरकार कृषक को उपहार दे चलित रबी फसल पर एमएसपी बढ़ाई गहम सोरिष सह 6 फसल एमएसपी वृद्धि कर सरकार गहमर एमएसपी क्विंटाल पिछा 40 टंका बढ़ाई सरकार एणिकी गहमर सर्वनिम्न सहायक मूल्य प्रति क्विंटाल पिछा 2015 टंका हेबो सोरिषर एमएसपी रे क्विंटाल पिछा 400 टंका बढ़ाई 5050 टंका करा जायछि बाली चणा मसूर और सब फ्लावर रो एमएसपी बढ़ाई केन्द्र सरकार बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा देश भर के करोड़ों किसानों को प्राप्त हो रहा है एमएसपी की दर भी बढ़ रही है किसान उत्पादन भी बढ़ा रहा है और भारत सरकार धान गेहूं के साथ साथ अब मोदी जी की सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीद को भी प्रारंभ किया है इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है सेहीपरि देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने उत्पादन सह जड़ित प्रोत्साहन योजना पीआईएल घोषणा करते केन्द्र सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना माध्यम रे देश में टेक्सटाइल उद्योग को पुणि थे पुनर्जीवित करे सरकार यही योजन केन्द्र सरकार अतिरिक्त उत्पादन उपर प्रोत्साहन देवे और कंपानी गुड़ी भारत निर्मित उत्पादन को रप्तानी करने अनुमति देवे आगामी पांच वर्ष पर्यंत भिन्न भिन्न 10 उत्पाद पर 10,683 कोटी रु अधिक टंकार पैकेज दिजिव देश में टेक्सटाइल उद्योग को प्रोत्साहित करने गत जुलाई मासरे केन्द्र सरकार यह अर्थराशि आवंटित करते योजन छोट सहर कंपानी गुड़ी को अधिक प्राथमिकता प्रदान कर गुजरात उत्तर प्रदेश ओडिशा आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु पंजाब एवं महाराष्ट्र परी राज्यगुड़िक अधिक उपकृत हेबे बोली कहिसेंति केंद्र मंत्री पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है रोजगार के अवसर मिलते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बड़े उसके लिए इस निर्णय को किया गया है कुल मिलाकर पांच वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे इसका सीधा लाभ गुजरात उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, इन क्षेत्रों में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन बाकी देश में भी नए नए राज्यों में अब बिहार चाहे तो वहां पे प्रोत्साहन दे सकता है। मोदी सरकार कृषकों सह टेक्सटाइल उद्योग को मध्य बड़ उपहार देछंती। रोजगार सृष्टि सह रप्तानी क्षमता वृद्धि करने दिगरे बड़ बड़ पदक्षेप ग्रहण करछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। धर्मेन्द्र प्रधान को बड़ दायित्व, उत्तर प्रदेश प्रभारी दायित्व रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। धर्मेन्द्र प्रधान प्रभारी और सात जन को सह प्रभारी दायित्व दिया जाएगी। समस्त को दायित्व देखते बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। धर्मेन्द्र हाथ में उत्तर प्रदेश आह्वान और संभावना। नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा दृढ़ विश्वास धर्मेन्द्र हे सफल, तेणु हाथ में देशर सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश दायित्व। केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को बड़ दायित्व। उत्तर प्रदेश रो बीजेपी प्रभारी हेले धर्मेन्द्र। यूपी विधानसभा निर्वाचन को आउ मात्र कई मास। धर्मेन्द्र को उपरे मोदी साहा नड्डा को दृढ़ विश्वास। दिल्ली रो रास्ता उत्तर प्रदेश दे उज्ज्वला म्यान एबे उत्तर प्रदेश निर्वाचन रणनीतिकार। 2024 रे मोदी लोड़ीबे जन आस्था। कई बातों का सुझाव आज से 50 साल पहले दिया गया था। मोदी को हैट्रिक पाई उत्तर प्रदेश रे सफलता निहाती जरूरी। 2014 और 2019 रे उत्तर प्रदेश रे मोदी को विश्वास रो दायित्व नहीं थिले अमित शाह। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन रे भी चाणक्य थिले अमित शाह। शाहको गोटी चालना बीजेपी को देइतिला अभूतपूर्व सफलता। सर्वाधिक राजनैतिक पंडितक आकलन को भूल प्रमाणित करी रेकॉर्ड भांगीतिला बीजेपी रो सीट संख्या। मोदी को जनप्रियता होइतिला प्रतिफलित। उत्तर प्रदेश निर्वाचन सफलता पछरे थिला महिला भोटर को बड़ समर्थन। अखिलेश राहुल को जोड़ी मायावती कामुड़ी थिले माटी। सबुठारु बड़ रेकॉर्ड करी बीजेपी जीती थिला 312 आसन। कांग्रेस मात्र 7, समाजवादी पार्टी 47 और बीएसपी हाथ को जाइथिला मात्र 19 आसन। महिला को बड़ समर्थन पछरे थिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला राजनैतिक लाभ पाई बड़ गोटी चलाइथिले धर्मेन्द्र प्रधान। बलियारु आरंभ होइथिला मागणा गैस सिलिंडर बंटा। गरीबों घरे गैस पहुंचाइबा पाई सेते बेलर केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान करिथिले सार्थक प्रयास। सात दशंधिर गणतंत्र रे काठ नड़ा धुआ थिला महिलाको भाग्य। बर्षे महिला आखिरु लुह पछिला उज्ज्वला। उत्तर प्रदेश रे योगी सरकार को पछरे बड़ सीट पछरे बड़ योगदान थिला महिला। महिला को मोदी सह जोड़ बड़ भूमिका नहीं थिले धर्मेन्द्र प्रधान। एबे आसंतु नजर पकाइबा पूर्वरु केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को मिलिथिबा प्रभारी तालिका उपरे। या पूर्वरु त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्णाटक, बिहार, उत्तराखंड निर्वाचन प्रभारी दायित्व नहीं सारी केन्द्रमंत्री। 2021 रे पश्चिम बंगर निर्वाचन कार्य संभालिबा सह नंदीग्राम निर्वाचन मंडलीर विशेष दायित्व धर्मेन्द्र प्रधान को मिलिथिला। उज्ज्वला म्यान एबे उत्तर प्रदेश निर्वाचन रणनीतिकार। देशर राजनीति में उत्तर प्रदेश सबुठारु बड़ भूमिका। धर्मेन्द्र हाथ में उत्तर प्रदेश आह्वान और संभावना। नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा दृढ़ विश्वास धर्मेन्द्र हेबे सफल, तेणु तांको हाथ में देशर सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश दायित्व। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।
सशक्तिकरण दिगरे केन्द्र सरकार बड़ पदक्षेप एवं महिला माने जोग देपारे एनडीए बा नेशनल डिफेंस एकेडमी विशेषकर एनडीए माध्यम से भारतीय सशस्त्र बाहन स्थायी कमिशन भाव में निजुक्ति पारे महिला ए बाबद केन्द्र सरकार तरफ मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को सूचना दी जाएगी। किसी दिन तेज मान्यवर उच्चतम न्यायालय एक मध्यवर्ती आदेश जारी कर महिला माने एनडीए परीक्षा दे पारे एवं से परीक्षा नवंबर 14 को घुंचा जाए। कोर्ट को राय को केंद्र सरकार गुरुत्व सहित विचार करते आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भट्टी सरकार को एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति कोर्ट को जनाई महिला माने इनकी एनडीए एडमिशन करेंगे। केन्द्र सरकार ए बाबद एक सत्यपाठ कोर्ट दाखल करेंगे। यह सहित ए बाबद एक नियमावली गाइडलाइन जारी जो सरकार समय मांगते केन्द्र सरकार संपर्क में कौन अग्रगति घटी तार समस्त बरणी सेप्टेम्बर 20 कोर्टे जनवाक आडिशनाल सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दी जाएगी। महिला एनडीए और नावल एकेडमी परीक्षा सामिल सुजोग देवा जो पिटन दाखल होता तार शुणी समय खुशी खबर देखते सरकार सुप्रीमकोर्ट तरफ गठित जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश खंडपीठ मत देते देशर सुरक्षा सशस्त्र बाहन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है से क्षेत्र में लिंगगत समानता रहा आवश्यक। करोनार द्वितीय लहरी होता मृत्यु मामला पर सुप्रीमकोर्ट गुरुत्वपूर्ण टिप्पणी करते सर्वोच्च कोर्ट मौखिक भाव कहते द्वितीय लहर समय करोनार होता समस्त मृत्यु चिकित्सा अवहेलार होता ग्रहण करना एक गुरुत्वपूर्ण टिप्पणी सहित महामारी विपरीत परिस्थिति में जरूरी स्वास्थ्य सुविधार अभाव मृत्युवरण कर व्यक्ति परिजन को क्षतिपूरण राशि प्रदान आवेदन होता याचिकार शुणी करने को मना कर सर्वोच्च कोर्ट। दीपक सिंह नामक जन व्यक्ति द्वारा याचिका दाखल करा था जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस हेमा कोहली को नहीं गठित तीन जनी खंडपीठ निज परामर्श से सक्षम अधिकारी निकटे निजर अभियोग रखापी आवेदनकारी कोई करोनार द्वितीय लहर सारा देश को प्रभावित कर स्थल में चिकित्सार अवहेला पर साधारण अनुमान लगवा ठीक हेब ना एपरी अनुमान कोर्ट करें खंडपीठ कहते आसंताली अनुषित होगा ब्रिक्स देश मानकर 13वां शिखर सम्मेलन पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार यह सेप्टेम्बर 9 तारीख में भर्चुआल मोड्रे अनुषित हो जो अध्यक्षता करेंगे भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। भारत चलित बर्ष यार आयोजक रही चलित बर्ष यार जो थीम रही है ब्रिक्स आट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कर्पोरेसन कोऑपरेशन फर कंटिन्यूटी कनसल्टेसन और कनसीय एथेरे भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका तुलेबाकु जाउछि बोली जाना पड़छि। भारत व्यतीत चीन रूस ब्राजिल साउथ आफ्रिका एथेरे सामिल रहिछन्ति एवं अफगानिस्तान परिस्थिति सारा विश्व पई चिंतार कारण होइथिबारु एवं चीन आ रूसिया तालिबान प्रति कोहल मनोभाव पोषण करथिबारु से प्रसंग आलोचनार मुख्य स्थान ग्रहण करिपारिबो बोली कहजाउछि। या सहित आतंकवाद स्थायी विकास पई टेक्नोलोजी रो भूमिका एवं आहुरी अनेक विषय आलोचना हेबार योजना रहिछि। एबे ए सम्मेलन उपर रहिछि ब्रिक्स देश समेत अन्य देश मानकर नजर। दिल्ली में आज अनुषित हो भारत और रुषिया जातीय सुरक्षा परामर्शदाता गुरुत्वपूर्ण बैठक। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार गठन और सेठे सृष्टि होता परिस्थित को नहीं सजग दृष्टि रखी सारा विश्व पड़ोसी देश भाव में भारत और रुषिया नजर रखिंट अफगानिस्तान प्रसंग नहीं आज दुई प्रतिपक्ष दिल्ली में बैठक अनुषित हो भारत तरफ जोगद जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल और अन्य उच्च अधिकारी से रुषिया तरफ जोगद सिक्युरिटी काउनसिलर सचिव निकोलाई पात्रुसेव प्रतिनिधि दल एवं अफगानिस्तान राजनैतिक समस्या सहित जो सुरक्षागत एवं मानव संकट सृष्टि से बाबद बैठक में विस्तृत आलोचना होता जमापड़ी। केवल रुषिया प्रतिपक्ष सहित नुहे एवं भारत गस्त आमेरिका सीआईए मुख्य बिल बन सहित अफगानिस्तान बाबद डोभाल साक्षात आलोचना होता जमापड़ी। पश्चिमबंगे सांसद अर्जुन सिंह बासभवन बाहर घटी बोमा विस्फोट को निंदा करते राज्यपाल जगदीप धनखड़। से कहते पश्चिमबंगे अनावश्यक हिंसा ह्रास लक्षण देखाऊ नहीं बुधवार सांसद अर्जुन सिंह बासभवन बाहर विस्फोट घटी सकाल 6:30 समय सुरक्षाकर्मी उपस्थित में दुर्बृत्त मैंने सांसद बासभवन उपरको तीनि बोमामाड़ करते तेज आईन श्रृंखला परिस्थित नहीं उद्वेग प्रकाश करते राज्यपाल विस्फोट घटनार तदंत सहित तुरंत कार्यानुष्ठान दावी होती। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह अभियोग करते चलित बर्ष पश्चिमबंग निर्वाचन सर्वे पर तृणमूल कर्मी आक्रमण करते
ଖବର ଜାରି ରହିବ, ସମୟ ଅଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। टोक्यो पारा ओलंपिक्स रे पदक जीति टेक रखिथिबा देशर खेलाड़ी सम्मानित करा जाय छे। केन्द्र क्रीड़ा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केन्द्र क्रीड़ा राज्यमंत्री नीतीश परमाणी खेलाड़ी सम्मानित करछन्ते। ई सम्मान समारोह रे केन्द्र आईन मंत्री किरण रिजु उपस्थित रहितले। टोक्यो पारा ओलंपिक्स रे पदक जीतिथिबा समस्त 19 खेलाड़ी सम्मानित करा जाय छे। चलित थर पारा ओलंपिक्स रे भारत रेकर्ड 19 पदक जीतिथिला। एथिरे 5टी स्वर्ण, 8टी रौप्य एवं 6टी ब्रोंज पदक रहितला। Represent my country in the Paralympics and win medal for it, and I have been training for it since 6 years. So saying that 19 years of age and has it sunk in? It has not. I'm just so happy and so grateful. There's more to come, and hopefully I will win more medals for the country. Thank you. I'm sure there are many. So we installed a digital target setup at my home, and the Sai and Tops helped me, get it. And I'm just so thankful to them because it helped me a lot when there was nothing for the training, and I was just kept going at my home with all the pandemics going on. It kept me motivated. କଳିଯୁଗର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଖେଳିବା ବୟସରେ ସେ ସେବା କରୁଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାପା ମାଙ୍କର। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ବାପା ମା ହିଁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଓ ମନ୍ତ୍ର, କଳ ବୟସରେ ବୁଝିପାରିଛି ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳ ବୁଲିବା ସହ ପାଠ ପଢିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ପରିବାରର ବୋଝ। ପରିବାର କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମା ଓ ବାପା। 8 ବର୍ଷର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ି ନେବା ସହ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ୟାସ ଲଗାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ୟନଗରର ରାଜକୁମାର ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରବଣ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ କଥା। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାବା ମାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଆଉ ପାଲଟିଛି କଳିଯୁଗର ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କେମିତି? ବାପାଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ନିଜ ପାଠ ପଢୁଛ ନା ପଢୁନ? ପଢୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ହବାର ଅଛି ତମର? ମୋର ଡକ୍ଟର ହବାର ଅଛି। କୁନି ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ବହି ଖାତା ଧରି ବସିପଡ଼େ। ମାତ୍ର ପରିବାରର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ପୂରଣ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ପୁଅ ତ ସାହାରା ପାଲଟିଛି। ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ପୁଅ ତା'ର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସବୁ ବାପାମାଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଆଶା ଥାଏ, ସେଇ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ପୁଅକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୟାସ ବି ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ପୁଅ କେମିତି ଦେଶ ମାତୃକାର ନାଁ ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ରଖିଛି। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଉପରବାଲା ହାତରେ, ସେ ତ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହବ। ହଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ବାଇନ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ନଉଟେଇ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଏମିତି କଡ଼େଇ ଟିକେ ବସାଇ ଦେଉଛି। ନିଜେ ନିଜେ କରୁଥିଲି, ଜାଣିଲା ଯେତେବେଳୁ କହିଲା ମମି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ଏପଟେ ଏମିତି ଟିକେ ସିଧା ବସିବ କହିଦେଲା, ଆଉ ଟିକେ ବସାଇଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆମର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ପଢ଼େଇବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଉଥିବୁ। ସବୁରି ମୁହଁରେ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ବି ଖୁସି ହୋଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥାଏ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଉଦାହରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
আজি রাতে 9টায় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করব ভারত ইউএই এবং ওমানে হওয়ার 2021 টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সবু দেশ নিজ টিম ঘোষণা করা আইসিসি পক্ষ কুহযাই সেপ্টেম্বর 10 তারিখ সুদ্ধা সবু দেশ নিজ দল ঘোষণা করা আইসিসি পক্ষ কুহযাই এরপরে আইপিএল প্রদর্শন আধারে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলাড়ি চয়ন হব না তাহা এক প্রকার স্পষ্ট হয়ে চয়নকর্তা এবং ম্যানেজমেন্ট টিম পাই খেলাড়ি চয়ন করিসাথিবা জনা পড়ছে সেপটে বিশ্বকাপ 15 জন টিম সহিত 3 জন রিজর্ভ খেলাড়ি চয়ন করা যাই পারে রিজর্ভ খেলাড়ি ভাবে ঈশান কিশন পৃথ্বী শ এবং রাহুল চহর ইউই যাই পারন্তি সেইপরি সূর্যকুমার যাদব মিস্ট্রি স্পিনর বরুণ চক্রবর্তী এবং মিডল অর্ডর ব্যাটসম্যান শ্রেয়স আয়রকু টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্থান মিলিপারে সময় বুলেটিন কোয়েট রাখিবা নমস্কার।